अस्सलाम वालेकुम, राम राम सभी भाइयों को और सत श्री अकाल गाइस। आज ये हमारा कबूतर आपके लिए वीडियो बनाई था गाइस हमने आपके लिए आज, तो वो इसलिए बनाई क्योंकि बहुत टाइम हो गया था गाइस कबूतरों की वीडियो बनाए हुए, इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। और आजकल मज़ा आता है गाइस छत पर आने में क्योंकि हमारे कबूतर पाक हो चुके हैं और बहुत मतलब टाइम स्पेंड करने में हमें बहुत मज़ा आता है गाइस। बहुत लोगों के कबूतर पाक हो गए आपको जैसे पता है, कुछ लोगों के अभी बचे हैं, हमारे भी कुछ कबूतर बचे हैं आपको दिखाऊंगा अभी, अंदर दो चार कबूतर है वो भी अभी गट करके फिर हम आगे मारना स्टार्ट कर देंगे इनको। तो गाइस जब तक आपको कबूतर का शौक दिखाते हैं ठीक है। अपने ये दो कबूतर और है, एक तो ये काली मेहनतदार मादिन गंडेदार और एक मादिन ये है गाइस ठीक है। ये दो कबूतर हैं अभी, ये भी अभी मिलेंगे, थोड़े कम पर हैं इनके इसलिए, और दो ये है गाइस और बाकी अपने ये वाले कबूतर है गाइस, ये सारे अभी गट करना बाकी है। कल इनको दाना ऊपर हो गया था गाइस इसलिए आज थोड़े कबूतर हरकत ऐसी करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए वीडियो हम अच्छी बनाएंगे, टेंशन मतलब आप दोस्तों। और ये भी कुछ कबूतर है, ये मोटा नहीं है बस, इसमें ये वाला कबूतर नहीं, बाकी सारे कबूतर है गाइस। ये अभी थोड़े कम परों से कम है गाइस इसलिए, तो चलिए आपको बाहर के कबूतरों का शौक कराते हैं। तो गाइस ये है अपने कुछ बाहर के कबूतर है, ये अभी पाक हो गए हैं, कुछ कुछ कबूतर दसवीं कर ली उनकी आधी आधी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तावे हम ले सकते हैं उन कबूतरों के, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो कली फटने का डर रहता है। तो देखिए ये हमारे पीछे पड़ा रहता है गाइस, ये तो मानता ही नहीं है, तो ये हमने भी उठा दिया गाइस कबूतर, सिर्फ तावों पे सेट है भी कबूतर, तावे इकेरे दुकेरे हैं बस। तो ऐसे ही जो है हमने सारे कबूतर खोल दिए, अब तावों का टाइम हो चुका है, और तावों का टाइम हम क्या करते हैं, एक दो आज लंबे कर लेते हैं इन्हें, फिर हम तावे मारते रहते हैं इनके और पूछते हैं, देखो किरीज भाई से हम हमारे कि ये क्या बोलते हैं। हाँ तो भाई किरीज भाई, कब लड़ाने हैं फिर कबूतर? अभी तो 15-20 दिन तो तावे में रहेंगे कबूतर, तावों में। हाँ अच्छा, उसके बाद है 1 तारीख से उड़ाएंगे, कोई उड़ावे ना उड़ावे, हाँ हम तो धकेला देंगे, मतलब 1 तारीख से दोस्तों हम 1 तारीख से लड़ा देंगे इनको। ठीक है, तो अभी तो कचपरे भी हमारे कबूतर, जैसे आपको बता दूं बहुत से कबूतर आपको दिख रहे होंगे कम पर के हैं और काफी खूबसूरत हो गए हैं गाइस, अब ये आप मेरी पहले की वीडियो में देख लीजिएगा इन्हें और अब देख लीजिए, क्योंकि पहले जब ये बहुत छोटे थे, जब ये बहुत मतलब ऐसे थे, मतलब ऐसे सूखले से लगते थे, लेकिन अब तो इतने प्यारे हो गए हैं झाड़ पाक के हमारे कबूतर, झाड़ पाक करने के बाद तो मतलब इनका रंग ही कुछ बदल गया है गाइस। और देखिए आप रंग देखिए इनका, और इसमें अभी हम और भी कबूतर डालेंगे, आप कम से कम कितने इरादा है गाइस लड़ाने का, आपको कबूतर कितने लड़ाओगे? हम 20-30 कबूतर उड़ाएंगे अभी। हाँ लड़ाएंगे गाइस, हमारी इतनी हैसियत है गाइस 20-30 कबूतर, क्योंकि लंगर लड़ाना उड़ाना हमारे बस की बात, हमारे यहाँ पे एक ये चोर है, एक इधर चोर है। दाना डालना थोड़ा पास में गाइस, शौक करिए सारे कबूतर गाइस, हमारे काफ़ी कबूतर हैं और कुछ जोड़े वाले भी हैं, और अभी ये इतने खूबसूरत हो गए आपको क्या बताऊँ गाइस मैं, आप देख सकते हैं वीडियो में इनके जो नए नए पर आए हैं और वो कितने शाइन मार रहे हैं, करंट आप चेक करिए कबूतरों का गाइस, इनमें करंट बहुत है, बहुत करंट। बस ऐसे तावे लगते रहते हैं इनके। अब आपको कबूतरों का करंट दिखाते हैं हम,
तो भाई ऐसे ही मतलब रोज़ अभी तो तावे हैं, महीने भर तक हमारे किरीच भाई ने आपको बताया जैसे कि एक महीना 15-20 दिन इनके बस तावे लगेंगे, जब तक ये कुछ कबूतर है जो झाड़ पाक से निकल के, फिर उसके बाद हम है ना इन्हें 1 तारीख से लड़ाने स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हमारे भाई ने बोला कि कोई लड़ावे चाहे नहीं लड़ावे, लेकिन हम घुसोड़ देंगे। तो वो बात है गाइस, हम लड़ाई देंगे 1 तारीख से। आपको वीडियो ज़रूर बना कोशिश करूँगा मैं बनाने की, और इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी उसके लिए सॉरी। तो हाँ बाबू भैया, क्या बोलना, मतलब ये नहीं बोलेंगे अभी पता नहीं। हाँ तो क्या बोल, कबूतर लड़ाओ, लड़ाए कबूतर, बिल्कुल लड़ाओ। तो मतलब आपको कैसा शौक लगा हमारे हैदराबादी का? तो शुरू से ही है हैदराबादी का। हाँ तो मतलब हैदराबादी में बहुत अच्छा लगता है, हैदराबादी हैदराबादी में खूबसूरत लगता है हैदराबादी। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने हमारे अभी जो कबूतर है ये बहुत कोरे कबूतर है, कोरे हैं, ये बात तो सही है गाइस, बच्चे हैं ये सारे। हाँ और हम हिम्मत रखते हैं कि इन बच्चों को ट्रेन करके उड़ा के लड़ाने की। हाँ पिट जाए तो पिट जाएगा, पिटने वाली बात नहीं है, पिटेंगे जो कबूतर पिटेंगे, जो लड़ेगा वो लड़ेगा। हाँ तो ये हमारे बाबू शौक है, ये हमारे बाबू भैया के भी कुछ जोड़े हैं गाइस इसमें, और इनकी भी दीदारी की बात है, ये बोलते हैं लड़ाओ पिट जाएंगे तो और लेंगे, क्यों बाबू भैया बिल्कुल सही। तो गाइस आपको हम एक चीज़ दिखाएंगे, देखिए कबूतर जब हमारा उठता है ना तो क्या भागता है, ये देखिए ये घुसा नीचे, देखिए बिल्कुल लगता हुआ ज़्यादा दोस्तों, जब ये भाई पालतू कबूतर है ये गाइस, एक कबूतर जा रहा है, देखिए आपको दिखा दूँ, ये जंगला है मेला, ठीक है गाइस। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट ज़रूर करिएगा, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, काफ़ी लोग भाई हमें कमेंट करते हैं। और क्या नाम है आपका? जय। क्या नाम है? जय। कौन सी क्लास में हो? सिक्स्थ। तो कबूतरबाजी का शौक कैसा लगता है? मस्त। टाइम पास करते हैं दोस्तों हम कबूतरबाजी से, और काफ़ी मज़ा आया दोस्तों, बाहर जाने से अच्छा ही है, अपने 2-2.5 घंटे 1 घंटा अपना टाइम इसमें लगा के अपना मन बहला लिया, और बस काफ़ी बड़ा शौक नहीं है लेकिन मस्त है।